लोगों ने सोचा है कि हम लोग एक दूसरे का हेयर स्टाइल करेंगे। मैं आस्था के हेयर में हेयर स्टाइल करूंगी और मैं नैना के हेयर में हेयर स्टाइल करूंगी। आस्था के हेयर को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। गाइस मैं सच्ची बोल रही हूँ, 4 दिन लगे मुझको इसके हेयर काउंट्स करने में। इसका हेयर 1 लाख है और मैंने इसको बहुत दिन लगे 15,000 और 50,000 में डिवाइड करने में। इधर मैंने 15,000 किया और इधर 15,000 किया। अगर आपके हेयर में भी 1 लाख बाल है और आपने अगर इधर 49,000 किया और इधर 52,000 किया है, तो गाइस आपका हेयर बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। इसीलिए मैं आपको बोल दे रही हूँ, एकदम बराबर होना चाहिए। क्या मस्त जोक मारा है। अब घूम जाओ। सो पहले मैं इधर से कुछ बाल लूंगी। हाँ मुझे तकलीफ मत कर देना। नहीं नहीं चिंता मत हो, नहीं करूंगी। और ज्यादा मुझसे धरा मत करना वरना तुम्हारा बाल बचेगा भी नहीं। हाँ हाँ मेरा भी टर्न आएगा। अच्छा ठीक है, इस तरह से मैं इसके हेयर को फोल्ड कर लूंगी। फोल्ड करने के बाद मैं इसे इस तरह से यहाँ पर क्लिप जो है यहाँ पे लगा लूंगी। मैंने यहाँ पे जेपी क्लिप यूज किया है। इसी तरह मैंने यहाँ पे क्लिप लगा दिया एंड इसी तरह मैं दोबारा यहाँ पर और एक फोल्ड लग कर रही हूँ। और यहाँ पर क्लिप लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर 2 बार फोल्ड किया था, अब मैं बस 2 ही बार रहने दूंगी। अब मैं इस साइड फोल्ड करूंगी। मैंने यहाँ पर 1 बार फोल्ड कर लिया है, अब मैं थोड़े से बाल लेकर और 1 बार यहाँ पर फोल्ड करूंगी। नना मुझे लग रहा है तुम आज मेरे को तकलीफ करके ही मानोगी। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। कर लिया है, अब आस्था का ही ऐसा रेडी हो चुका है। सो इसका हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं नैना के हेयर में हाफ पोनीटेल करूंगी। मैं अभी इसका हाफ पोनीटेल कर ली हूँ, तो आप पहले मुझे इसको गार्डर को यूज करूंगी। अब मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। और अब मैं इसको इस हेयर को इसके अंदर डालूंगी। तो अब नैना का हेयर स्टाइल आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह हमारा वीडियो फिनिश होता है। अगर हम दोनों में से किसी एक का आपको हेयर स्टाइल अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और कमेंट के अकॉर्डिंग उसे ये गिफ्ट मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस।